ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए मोटरसाइकिल चलाना कि हम ये बात को देखें कि ये बात मैंने पहले भी कही थी और बहुत अहम बात है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानता है तो उसे बहुत एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदगी का खालीपन नहीं तो काटने को आएगा। अब ये जो गेम्स है ये उसी खालीपन को भरने के लिए है, और शॉर्टली हमारे एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं और गल्फ कंट्रीज़ के एक्सीडेंट्स के फिगर्स तो इतने ज़्यादा सीवियर हैं कि जितने लोग शायद वॉर्स में मरते हैं उससे कईयों गुना लोग ज़्यादा हर साल एक्सीडेंट्स में मरे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ हकीकत ये है कि ये गेम्स का भी कहीं बहुत बड़ा हाथ है हमारे सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयाँ स्प्रेड होने में, ये गेम्स का भी बहुत अहम हाथ है। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल था कि क्या है वजह कि भाई कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि गाड़ी आने वाली है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मॉरल्स जो होते हैं वो चाहे अभी बाइक मिल गई फिर बाद में कार मिल गई, हो सकता है आगे एरोप्लेन मिल जाएगा हेलीकॉप्टर चलाए, लेकिन वो मॉरल्स तो सेम रहेंगे। माँ बाप को बच्चों को वो तरबियत देना तो ही तो सदका जारिया बनेंगे बच्चे, कि भाई बच्चों को अगर वो सिस्टम बताया जाए कि देखो ये सिस्टम है, ये इंसानी जान है,